प्रदीप तारा नहीं लाइया इन्होंने संदर्भ है वाल्मीकि महाराज की जय, सतगुरु ज्ञाननाथ महाराज की जय। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज बहुत ही वड्डा दिन है कि अज के दिन सतगुरु बाबा लाल नाथ जी महाराज की इस धरती ते रहीमपुर पुल के उपर उन्होंने लगभग 14 साल गुजारे। इत्थे आदि गुरु भगवान वाल्मीकि जी महाराज जी का बैठ के भजन करते रहे और इलाके भर दियां संगतां नूं इत्थों आराम मिलिया। जिदा कि इत्थे बहुत सारे एक्सीडेंट होंदे सीते, आए दिन ये जंगल का एरिया सीधा, जो इत्थे महाराज जी आए उदों बहुत भयानक बन सीधा। इत्थे बैठ के उन्होंने अपने भजन के नाल प्रताप के नाल इस जगह नूं आम वर्ग जगह बनाया। तो एक्सीडेंट का जो माहौल सी उत्थे बंद होया, तो महाराज जी इस जंगल दे नूं महाराज ने पद्धरा किया, साफ कराया, इत्थे वाल्मीकि महाराज जी का मंदिर बनाया। तो साध संगत जी आप महाराज सतगुरु जी महाराज इत्थे 14-15 साल इत्थे सेवा करते रहे। तो उस तो बाद 1997 उन्हें चोला बदली किया, तो उन्होंने बाद जो भी उन्होंने पद चिन्ह हैं, जो भी उन्होंने हुक्म सीधा उन्होंने मानते हुए असी इत्थे सेवा करते हैं। साध संगत की, उन्होंने प्यारियां की, उन्होंने भगतों की, तो भगवान वाल्मीकि महाराज जी की उस तरह सेवा करते हैं जिस तरह गुरु महाराज जी ने सानू बेनती की, जिस तरह सतगुरु लाल नाथ जी महाराज ने हुक्म किया सानू, असी उस तरह ही उन्होंने सेवा दिन रात उन्होंने चरण कमलों में रह के करते हैं। इन्हें शब्दों नाल अज मैं इतने बाल जोगी बाबा प्रगटनाथ जी के जड़ा समागम हो रहा, समझ दो इनू आप देश पदरी समागम मन सकते हैं, क्योंकि बाबा जी अपने गुरु जी की याद के लिए ये प्रोग्राम करते हैं। 26वीं अज बरसी है उन्होंने, और सारी संगत जी अपनी इतने अपनी धार्मिक आस्था लैके पहुँचती है। ये पवित्र धरती है जिथे बहुत दूर तो तकरीबन पंजाब तो बहर बाकी स्टेटा के भी लोग जोड़े नमस्तक हो आते हैं। तो उस सदे पत्र से मैं बाबा जी के पहुंची हाँ, और नाल दी नाल सीएम साहब ने सुनेहा भी दिता भी जो भी डेरे दियां मंगा ने उहदा मंग पत्र लै लिया जाए ताकि वह अगले हफ्ते तक वो इत्थे पधारनगे और अपना जो जो मंगा होणगियां डेरे दियां उन्हां ते सारा विचार करके अनाउंस करके जाणगे। अज शहीद भगत सिंह दा जन्म शहीदी दिन भी हैगा, उहदे बारे कहणा। अज शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी का शहीदी दिन आ, और सवेर तो ही संगत पंजाब लैवल पर भी मनाया जा रहा है, खट्टर कला भी मनाया जा रहा है, हुसैनी वाला भी उन्होंने याद किया जा रहा है, शरदा के फुल भेट किए जाते हैं, राजगुरु सुखदेव जी नाल शरदा के फुल भेट किए जा रहे हैं, और आम आदमी पार्टी इनू दिल्ली दे विच नैशनल लैवल पर भी मना रही है। और शहीदों याद रखना, अपने बच्चों उन्हां दी कुर्बानियां याद करवाना और हमेशा उन्होंने नमस्तक होना, ये साड़ी पहली जिम्मेवारी है, क्योंकि अज असीं आजाद फिजा दे विच साह लै रहे हैं, उन्हां शहीदों का करके साह लै रहे हैं। अज साडे सत्कार दे नाल माण दे नाल सिर उच्चा करके चलते हैं। वोट का अधिकार मिल गया सानू, असीं अपनी मनमर्जी की जिहड़े सत्ताधारी चुन सकते हैं, ये सारा
ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਕੁਐਸਚਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਗਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਾਭਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਸਭ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਮਤਾ ਇੱਕ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਗਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਸਰ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਆਪ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਇੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਤਦੇ ਪੰਜਾਬ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਢੋਲ ਢਮੱਕੇ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ, ਮਨੋਰੰਜਨ, ਖੇਡਾਂ, ਤਪੱਸਿਆ ਲਈ ਇਹ ਧਰਤੀ ਸੀ, ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਧਰਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਦਾਤਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ। ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਾਲਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਖਸ਼ੇ, ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੇ, ਘੁੱਗ ਵਸਣ। ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਗਟਨਾਥ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਰਹੀਮਪੁਰ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਰਕਜ਼ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਲ ਛਵਾਈ ਕਿਤੇ ਆਉਣਾ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਰਤ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ, ਪਿਛਲ ਝਾਤ ਮੈਂ ਰੱਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਹੇ ਨਾ ਲੰਘ ਆ ਜਾ ਪੱਤਣ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਬੇੜੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਜਾਈਦਾ ਅੱਗੇ।